सब्सक्राइब गेट नोटिफाई शेयर एंड लाइक। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो मोरिंगा पर है। इस पर लातादाद वीडियोस हैं और बहुत सी वीडियो में कुछ कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं इसको डायबिटीज़ में यूज़ किया जा सकता है, कुछ कहते हैं इसको डायबिटीज़ में यूज़ नहीं किया जा सकता। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में ऐसे ही बहुत से मिथ को क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपको अपनी प्रैक्टिस के लिहाज से बताने वाली हूँ कि किस चीज़ में ये मेरे लिए यानी मेरी प्रैक्टिस में यूज़फुल रहा है और किस में नहीं। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। मोरिंगा एक ऐसा प्लांट है जो अपने अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ को रखता है और साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी इसमें पाई जाती हैं। यानी ये हमारे बॉडी से जो समझ लें ऐसे मादे जो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं उनको ख़त्म करता है। अगर इसके लीफ का पाउडर हम एज अ कहवा यूज़ करें कहवे में डाल के, तो वो हमारी बॉडी से टॉक्सिसिटी को तो ख़त्म करता है और साथ ही हमारी बॉडी में अगर कहीं पे भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पाई जाती है, उस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन वो इंटरनल हो यानी इंटरनल किसी ऑर्गेन में हो, किसी हमारे इंटरनली हमारी बॉडी को डैमेज कर रही हो या एक्सटर्नली हमारी बॉडी को डैमेज कर रही हो, तो उस चीज़ को ये जो मोरिंगा है वो क्योर करता है। मोरिंगा के अंदर बहुत ही एसेंशियल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, जैसे विटामिन ए मौजूद होता है, विटामिन बी मौजूद है, B2 मौजूद है, B3 मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है और इसके अलावा कैल्शियम मौजूद है, पोटेशियम मौजूद है, आयरन मौजूद है, मैग्नीशियम मौजूद है और फॉस्फोरस, जो कि तमाम हड्डियों के लिए बहुत ही अहम और एसेंशियल कंपाउंड्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। मोरिंगा जो प्लांट होता है इसको हम ड्रमस्टिक भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी सब्ज़ी की शक्ल देखेंगे वो एक स्टिक की तरह होती है, ड्रमस्टिक की तरह होती है, तो इसलिए इस प्लांट का नाम ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। और इसकी जो सब्ज़ी होती है वो जोड़ों में दर्द जिन लोगों को होता है उन लोगों को मैं खाने के लिए अक्सर विशेष कहती हूँ, क्योंकि जोड़ों के दर्द वालों के लिए मोरिंगा प्लांट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। ना सिर्फ उसकी सब्ज़ी बल्कि उसके लीव से एक्सट्रैक्ट करके जो ऑयल बनाया जाता है होम्योपैथी के स्टोर्स में आपको ईजीली मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करते हुए चलूँ। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर लोगों के जो मसल्स होते हैं उनमें गुदूद टाइप के हो जाते हैं, गिठाने टाइप के हो जाते हैं, उनमें पेन होता है। तो जिन लोगों को वो प्रॉब्लम है यानी उनके मसल्स में गिठाने बन गई हैं और वो हार्ड हैं और उनमें पेन होता है या हार्ड नहीं है मूवेबल भी हैं, तो उनको चाहिए वो इसके लीव से एक्सट्रैक्ट करके जो ऑयल बनाया जाता है जिसको हम मोरिंगा ऑयल कहते हैं, तो उस ऑयल से मसाज करें तो वो जो गिठाने हैं तो वो खुल जाएंगे, ऊपर दर्द में भी बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो ये हमारे लीवर को भी समझ लें प्रोटेक्ट करता है, हमारे लीवर को भी डैमेज होने से बचाता है हार्मफुल चीज़ों से। इसके साथ ही बहुत से लोग इसका जो मोरिंगा का जो पाउडर है जो लीव को यानी सुखा कर, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है इंशाल्लाह, वो भी कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो उसके लीव से पाउडर बनता है, उस पाउडर को यूज़ किया जाता है स्किन और हेयर की नरिश के लिए, और यानी इसके ऑयल भी इस्तेमाल किया जाता है बालों की लेंथ को अच्छे रखने के लिए और बालों को घना करने के लिए। इसके अलावा ये जो मोरिंगा लीव्स हैं इसका जो पाउडर है अगर वो आप यानी कहवे के तौर पर बना के पीते हैं तो आपका जो वेट है वो भी लूज़ होता है। लेकिन साथ ही मैं हमेशा कहती हूँ दवाइयाँ तो अपना काम करती हैं, कहवे अपना काम करते हैं, बाकी चीज़ें अपना काम करती हैं, लेकिन आपका डाइट जो कंट्रोल है वो ज़्यादा मेन होता है। तो अगर आप डाइट कंट्रोल के साथ इसका कहवा भी पीते हैं दिन में 2 बार, इसके अलावा हमारे ब्लड को प्योरीफाई कर देता है। नॉर्मल कहवा बनाएं और उसके अंदर थोड़ा सा इसका पाउडर यानी पकाते टाइम ही अंदर डाल दें और 1-2 मिनट पकने दें और उसके बाद वो पी लें। हमारी बॉडी में अगर कहीं पर भी समझ लें स्वेलिंग आई हुई है यानी एडिमा वाली कंडीशन है, यानी हमारे जो सेल्स हैं अगर उनमें फ्लूइड भर गया है, टिश्यूज़ में फ्लूइड भर गया है, उसकी वजह से स्वेलिंग आ गई है और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो गई है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है मोरिंगा। अब बहुत से लोगों को ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत, यानी कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को भी देना चाहिए, ये डायबिटीज़ को भी ठीक कर देती है, डायबिटीज़ के मरीज़ों को देना चाहिए, तो ये मिथ मैं आपका ज़रूर क्लियर करूँगी। देखें, एक तो मेरी प्रैक्टिस में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। हाँ, मैं आपके साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर कर सकती हूँ कि जिन लोगों को शुगर है, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल, उनको चाहिए कि वो इसकी सब्ज़ी को खाएँ, मोरिंगा को यूज़ करें, मोरिंगा पाउडर को यूज़ कर सकते हैं कहवे के तौर पर बनाकर,
क्योंकि ये इसकी जो सब्ज़ी है वो मीठी नहीं है, वो आपकी शुगर को बढ़ने नहीं देगी। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में शुगर का इंटेक नहीं जा रहा होगा, तो ये शुगर को कंट्रोल रखेगी। और साथ ही जो मोरिंगा है वो फैट फ्री है, यानी इसके अंदर हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल नहीं होता और फैट मौजूद नहीं होता इसकी सब्ज़ी के अंदर। तो अगर आप इसकी सब्ज़ी खाते हैं तो आपकी बॉडी में ना वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रही है ना वो फैट को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है बॉडी का वो नहीं बढ़ रहा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने वाली हैं कि ये क्योर नहीं करती। बेसिकली ये उन सब्ज़ियों में से, जैसे डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मर्ज़ है तो आप सब्ज़ियों पे आ जाएं, तो ये वैसी ही एक आम सब्ज़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।